अभी एस 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 टाइगर ने आपको बताया कि वो जो मुख्य अभियुक्त थे दोनों, अभी थोड़ी देर पहले ही राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे मुख्य अभियुक्त दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। अब रास्ते में कमिश्नर साहब का फोन आया था, हम कमिश्नर साहब से भी मिले थे आज, दिन पूरे दिन का घटनाक्रम आप लोगों ने देखा था। तो हमारा तो एक ही कहना है, हर जोर जुलम की टक्कर में हम तो लड़ेंगे। हमने आज वहां कहा था कि ये हिंदू शेर की हत्या नहीं है, ये हिंदुत्व की हत्या नहीं है, ये जो अपने आप में योगी जी हिंदू होने का योगी जी को भी गर्व है, ये हत्या उत्तर प्रदेश के किसी एक नागरिक की हत्या नहीं थी, ये पूरे भारत के हिंदू सम्राट कमलेश तिवाड़ी की हत्या थी। और मैंने दिन में बोला था, आपने सुना होगा, कि ये हत्या कमलेश तिवाड़ी की नहीं, हिंदुत्व की नहीं, ये योगी जी की नाक पर मार हुआ है और योगी जी के साथ भी षड्यंत्र चलते रहते हैं। काफी लोगों को योगी जी पसंद नहीं थे, पर मैंने दिन में स्टेटमेंट दिया, वो सुना होगा आपने, कि पिछली सरकारों के लगे हुए अधिकारी, जो सीएम मुख्यमंत्री होता है वो अंधेरे में रहता है, उस तक वो बातें पहुंचती नहीं, पर हम पहुंचाते हैं। दिन में मैंने कहा था, पिछली सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या पता ये चाहते हो कि यहाँ लाठीचार्ज हो, 500 और मर जाएं और एक्शन लेकर के योगी जी को मुख्यमंत्री सीएम पद से हटा दिया जाए। साजिशें होती है राजनीति में, तो साजिशों के सिवाय और कुछ है नहीं। पर जो कमिश्नर साहब ने आज हमारे साथ कमिटमेंट किया था, उस पर वो खरे उतरे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, और मैं भारत के जितने भी सूरवीर हैं, हिंदू शेर हैं, हिंदू बिजनेसमैन हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है कि कमलेश तिवाड़ी जी श्री राम मंदिर के लिए अपनी 22 एकड़ जमीन बेच करके लड़ाई लड़ते लड़ते लगा के गए, और अब उनके परिवार में उनकी माताजी है, उनके पिताजी हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हैं और मंदिर में रहते हैं, एक उनकी घरवाली है वो भी वहीं रहते हैं, उनके बच्चे वो भी वहीं रहते हैं। तो जो हिंदू बिजनेसमैन है, अपने आप को हिंदू समझते हैं, वो जो कातिल थे काफिर सुअर के बच्चे, उनको करोड़ों रुपए फंडिंग के दिए गए, तो क्यों ना आप लोग हिंदू हो, ये हिंदू राष्ट्र भारत कहलाता है। काफी लोग तो कहते हैं हम सब भाई भाई, अरे हम तो भाई बांधने के लिए तैयार हैं, पर हम क्या करें, करें क्या गद्दारों का। टोपी पहनने वाले जालीदार, भगवा टोपी भगवा कुर्ता तिलक लगा करके और गद्दारी करके चले जाते हैं। एक वीर योद्धा की हत्या, दिलेरी से हत्या करो ना, आमने सामने आके करो ना, चैलेंज करके करो ना। हिंदू योद्धा को खत्म करने के लिए उन काफिरों को तिलक भी निकालना पड़ा, भगवा टोपी भी लगानी पड़ी, भगवा झंडा भी हाथ में लेना पड़ा, भगवा कपड़े भी पहनने पड़े। तो इसका मतलब वो गद्दार हैं, उनके गद्दारी खून में भरी हुई है, खाते भारत के हैं, गुणगान विदेशों को करते हैं, फंडिंग इनको विदेशों से होती है। पर मेरा हमेशा से कहना है, कोई को नहीं है, कर गए, हर जोर जुलम में हम तो लड़ेंगे। आज पुलिस के साथ दिन में 2 दफा झड़प हुई, आपने देखा होगा, पर हम पीछे नहीं हटे। हमने कहा हम जिस मकसद के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, वो उद्देश्य पूरा करे बगैर हम नहीं जाएंगे। आप ये हमें मत दिखाओ, ये राइफलें, ये बंदूकें, पिस्टलें, ये लठ, करनी सेना का तो नारा है,
सवा फीट का झंडा और 5 फुट का डंडा, तो ये लठों से हमें कांड रहा हो गया आप। हमने उनके बैरिकेड्स दोनों जगह के हटा करके और बाकायदा पूरे परिवार से मिल के आए, उनके हालात जाने, उनका दुख है वो बांट करके आए हैं, उनका दुख हमारा दुख हमने समझा। और अभी रास्ते में गुड न्यूज मिली, कमिश्नर साहब ने बताया कि दोनों मुलजिम मुख्य अभियुक्त हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक तो न्यूज पर भी आ गई होगी, टीवी पे आप देख लो, क्योंकि हम तो अभी ट्रेवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं, चल रहे हैं। हमने तो 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था कमिश्नर साहब को, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम आप दो, 24 घंटे का दो, 24 दिन का दो, 24 मिनट का दो, पर हम इन मुलजिमों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इनके पीछे किसी का भी हाथ हो, और इनके आकाओं को भी नहीं छोड़ेंगे, जिन जिन लोगों ने इनको शरण दी है, जहां जहां इन लोगों को फंडिंग हुई है, जहां जहां इन लोगों का साथ और सहयोग दिया गया है, तो वो चाहे गुजरात से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, या फिर चाहे पाकिस्तान से हो, हम सबको कड़ी दर कड़ी खोल करके सबको सामने ले करके आएंगे। ये कमिश्नर साहब का कहना था। मेरे नौजवान साथियों, संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो, उसी में हम सब की भलाई है। और आज जो समय अब चल रहा है, इधर वाले को मार रहे हैं तो इधर वाले हंस रहे हैं, इधर वाले को मार रहे हैं तो इधर वाले हंस रहे हैं। मेरा तो कहना है कि मेरे देश के वीर जवानों, ये गद्दारी कर करके कभी किस कमलेश तिवारी जी की हत्या हो रही है तो कभी किसी और की हो रही है, हो सकता है कल आपका नंबर हो। तो इससे पहले मैं तो कहना चाहता हूँ, जो हिंदू है उनकी जो कमजोरी है, उनकी कमजोरी यही है, वो जेल जाने से डरते हैं, हथियार रखने से डरते हैं, लड़ने से डरते हैं, सड़कों पर उतरने से डरते हैं। अरे तो आपके पूर्वजों का आप इतिहास उठा करके देखो ना, ज्यादा हजारों साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है, करीब 450 साल पीछे जा करके देख लो, वो डरे हैं क्या? वो नहीं डरे तभी तो आज हिंदुस्तान ये है, ये हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, ये सब जभी तो लग रहे हैं ना। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 500 साल पीछे चले जाओ, वीर शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, वीर दुर्गादास है, ये जितने भी वीर हुए हैं इनकी तरफ देखो ना आप। परशुराम भगवान है, हमारे वो वीरांगनाएं, क्या नाम उनका, हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनकी तरफ देखो ना आप। तो मेरे नौजवान साथियों, आप लोग एकजुटता के साथ, एक साथ सब मिल करके, कोई भी कितनी भी बड़ी ताकत हो, चाहे अंडरवर्ल्ड हो, चाहे ISI हो, चाहे कोई दूसरी कंट्री हो, इन दूसरी कंट्रियों में जितनी नागरिकों की संख्या है, इतने तो कर्णी सैनिक है, और आज तो श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना हिंदू संगठन, आज से हिंदू संगठन हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है, समझ लेना आप लोगों को। जो सुखदेव दादा ने समाज के लिए बीड़ा उठाया था, और मैंने दादा को निवेदन किया कि समाज के साथ साथ में हिंदुत्व को आपकी जरूरत है, तो दादा ने तुरंत फैसला लेते हुए कहा कि अब करनी सेना राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नहीं, हिंदू करनी सेना के नाम से पूरे देश में हिंदुओं की रक्षा करेगी। ये दादा ने तुरंत स्वीकार करके हम दोनों भाई मिलकर अब हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। और दादा आपकी बात पूरी हुई, तो इसलिए मेरे नौजवान साथियों, संगठित रह करके हर उस लड़ाई को लड़ेंगे और हर उस ताकत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उन दरिंदों को कुचलने का काम करेंगे। आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो एक ही कहना है कि जितने भी इस भारत के हिंदू हैं, हिंदू बिजनेसमैन हैं, एक सैनिक भाई शहीद हो जाता है तो वहाँ लोग घोषणा करते हैं कि 15 लाख मेरी तरफ से, 25 लाख मेरी तरफ से, इन बच्चों का पढ़ाना लिखाना मेरी तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के नागरिकों से, देश के बिजनेसमैनों से, देश के भामाशाहों से, कि ये हिंदू
क्रांति वीर कमलेश जी तिवारी है, इसके परिवार को आप लोग अपनी तरफ से जो भी बन पाए आपसे वो सहयोग और साथ दें ताकि ये परिवार मजबूत हो सके। अब आपके सामने SS टाइगर, जय माँ भवानी, जय हिंदू राष्ट्र। दादा जो लोग ये तो धमकियां दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो आप? जो धमकियां दे रहे हैं उनसे कहना है कि अरे यार धमकी देने से, फोन करने से, व्हाट्सएप पे मैसेज करने से और से कुछ नहीं होता। टाइम रखो, हम नहीं आए तो हम दोकले बाप की औलाद, तुम नहीं आए तो तुम दोकले तो हो ही, तुम्हें तो पता ही है तुम तो दोकले बापों की, क्या चौकले चौकले बापों की हो। मैंने आज एक अखबार में पढ़ा था मैंने कि एक सपने में आकर के आप मेरे से मिलते थे तब बच्चा पैदा हो गया, तो आपका तो कहना ही क्या है, वो समझते हो आप। ये भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है, सारे कुत्ते लोग हैं, बढ़वे हैं, काफिर हैं, सुअर की औलाद हैं, जो इस भारत का खा करके विदेशों के गुणगान करते हैं। अच्छा, कुछ लोग उनको हम हमेशा से उनका नाम हमने आतंकवादी, उग्रवादी, टेररिस्ट रखा है, और आज भी मैं कह रहा हूँ अरे आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, टेररिस्ट हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कहाँ मिलोगे बताओ, समय रखो, टाइम रखो। ये मैसेज फैसेज करना, ये धमकी देना SS टाइगर को, ये धमकी देना उपदेश राणा को, ये धमकी देना तो क्या नाम है राणा अपना अमित जानी है, उपेंद्र राणा है और हैं, ये जितनी भी आप धमकियां देते हो इधर, इन गिद्दड़ धमकियों से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। और इनका बड़ा भाई अब इनके साथ है, इन तक पहुंचने के लिए पहली मेरी लाश से गुजरना होगा, जय मां भवानी, और मेरी लाश ऐसे आपको मिलेगी नहीं चूतियो, जब मेरे सामने सामना होगा तब करेंगे बात। दो हाथ पहले भी मैं तो करता रहा हूं, और मैं मुझे मजा आता है उस चैलेंज में, बढ़वागिरी करने में नहीं, धोखा करने में नहीं, चैलेंज करके कभी भी आओ। कुछ लोग हिंदू होने के बाद में जो गद्दारी करते हैं, जातिवाद का जहर घोल रहे हैं अभी हमारे बीच में, उनसे मेरा कहना है जो राजनेता है, हिंदू से नहीं लड़ता, पर जो ये राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई अन्य दल का हो, वो लोग हमारे अंदर फूट डालते हैं कि उस नेता ने तो वो बयान दे दिया, उस नेता ने तो वो बयान दे दिया, पर हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ होते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ हम स्टेटमेंट देते हैं, ना कि पूरी जाति के खिलाफ। समझ लो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सुखदेव सिंह जाति बात कर रहे हैं, सुन लो इस बात को जरा ध्यान से, हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ होते हैं, पूरी जाति के खिलाफ नहीं होते। आपने देखा होगा मैं 35 कौम बोलता था, तो अनुमान बेनीवाल उस समय जाति का जहर अनुमान बेनीवाल ने घोला था और उसका जवाब हम देते थे। अब अनुमान बेनीवाल के दादा भाई खींवसर हो गए, दादा भाई राजेंद्र राठौड़ हो गए, सारे दादा भाई हो गए, तो अब हाँ हमें आपत्ति क्या है, अब लड़ाई खत्म हो गई, वो तो अब तो दादा भाई हो गए, वो दोनों एक मंच पे बैठते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो वो तो लड़ाई खत्म हो गई वहीं। हनुमान बेनीवाल जातिवाद जहर घोलता था, इसलिए जवाब देते थे हम जातिवादी ना पहले थे ना आज हैं। मेघवाल की बेटी पे आ चाहती है वहां हम जाते हैं, राजपुरोहितों पर आ चाहती है वहां हम जाते हैं, ब्राह्मण समाज पे आ चाहती है वहां हम जाते हैं, कुम्हार की बेटी पे आ चाहती है वहां हम जाते हैं, धानक समाज की बेटी पे आ चाहती है वहां हम जाते हैं। वाल्मीकि के खिलाफ सलमान खान ने वो स्टेटमेंट दिया था वाल्मीकियों के लिए, तब भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सड़कों पर उतरा था, तो हम तो सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाले हैं। और इसमें भी कह रहे हैं सारे मुस्लिम कोई बड़ुए थोड़ी है, सारे मुस्लिम कोई टेररिस्ट थोड़ी है, सारे मुस्लिम कोई सुअर की औलाद थोड़ी है, ये तो जो विदेशों से जो ISI है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उनके खिलाफ सुखदेव सिंह बोलता है और आप हमेशा बोलता रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, जय हो हिंदू राष्ट्र। अब मिलिए आप SS टाइगर से। दादा ने आज जो भी बात रखी है आप लोगों के बीच में, वो आप लोगों को सोचने लायक बात है, समझने लायक बात है, जिनके दिमाग में जो भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां दूर कर लीजिए। और आज एक चैलेंज मेरा सरकार से, तेलंगाना की सरकार के साथ साथ में हिंदुस्तान की सरकार से, कि भड़काऊ बयान ठीक है, भड़काऊ बयान देने वाले मेरे दोनों साले, एक छोटा साला एक बड़ा साला, समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं मैं, वही हैदराबाद वाले भाई, बड़े साले छोटे साले, एक बार तुम्हारे अब्बा की औलाद है ना तो एक बार तुम्हारी सुरक्षा हटा के दिखा दे, एक बार जैसे कमलेश तिवारी की सुरक्षा हटाई थी वैसे एक बार तुम्हारी सुरक्षा हटा